हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे यूजी सेमेस्टर 6 का फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देन आपको बताते हैं। सबसे पहले गूगल को ओपन कीजिएगा, उसके बाद KUUNIV, उसके बाद सर्च कीजिएगा। लिखने के बाद, सर्च करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, उसके बाद कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद जहाँ पर क्लिक हेयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ UG सेमेस्टर 6 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर सकते हैं। जो चले, मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ अपना यूजर नेम और पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन हो गया है एग्जामिनेशन फॉर्म। उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं UG सेमेस्टर 6 एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेमेस्टर सिलेक्ट करना है, सेमेस्टर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर सेमेस्टर 6 सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट टाइप पर यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, रेगुलर हैं या एक्स रेगुलर हैं। तो मैं यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप सर्च पर क्लिक करेंगे। करने के बाद आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म का डिटेल्स आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म का डिटेल्स भरना है। पर देखिए, ऑटोमेटिक यहाँ पर भरा हुआ है कुछ, और जो नहीं भरा हुआ है उसको आपको भरना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट नेम हिंदी, यहाँ पर अपना नाम हिंदी में लिखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आधार नंबर, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन, यहाँ पर आप कॉलेज में किस डेट पर एडमिशन लिए थे यहाँ पर फिल करना है। आप यहां पर फर्स्ट एडमिशन डेट भी डाल सकते हैं, या आप री एडमिशन जब लिए हैं वो भी डेट डाल सकते हैं, यानी सेमेस्टर 5 का। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं क्लास रोल नंबर, जो भी आपका क्लास का रोल नंबर है यहां पर डाल देंगे, वो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप पर भी मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास ABC ID नंबर है तो यहाँ पर दीजिए, अदरवाइज आप रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर लीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो यहाँ पर सही कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीम सेक्शन पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉलेज नेम, स्ट्रीम, कोर पेपर, DSC 3। उसके बाद यहाँ पर देखिए DSE 3 पर जो भी आपका सब्जेक्ट है सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरा यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च इन ज्योग्राफी है। आपका सिलेबस में देख लीजिएगा, आपका जो भी है यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन को यहाँ पर सही कर देना है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। उसके बाद गो टू पे पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट ए UPI ऐप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पे पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर फाइनली पेमेंट हो रहा है। आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे, फिर आपको रिडायरेक्ट कर लेगा अपने एग्जामिनेशन फॉर्म पर, थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पर आप सेमेस्टर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका सेमेस्टर है। तो मैं यहाँ पर सेमेस्टर 6 सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट टाइप पर रेगुलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली पेड हो गया है। उसके बाद यहाँ से आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट पर क्लिक करने से आप प्रिंट आउट इसका ले सकते हैं। फिलहाल मैं प्रिंट आउट नहीं लेता हूं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।